मानसून के बादल बुआ गांव पहुंचने लगे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बुआ पकौड़े छाने बैठी हैं और फूफा चाय बनाने के लिए स्टोव में हवा भर रहे हैं। अरे आज बन पाएगी चाय? टुकरिया सठिया गई है। ऐसा है, हमारे बारे में कछु उल्टी सीधी बोली तो समझ लीजो। अरे चुप बैठो जरा तुम। खैर अभी दोनों बीच झाए झाए चली रही थी कि भतीजी सुरेखा दौड़ती हुई आ पहुंची। अरे बिटिया एकदम सही टाइम पे आई है, आज ना पकौड़े बनाए हैं, खा ले, मैंने बनाए हैं। अरे सुनो, एक कप चाय और बढ़ा लीजो, सुरेखा बिटिया आई है। और बता बिटिया, काहे गुमसुम लग रही है? कुछ नहीं बुआ, बस हाल ही ऐसा है। बिटिया सुना कि शेयर बाजार में तेरे हाथ जल गए, काफी पैसा डूब गया क्या? हाथ छोड़ो बुआ, कोहनी जल गई, मेरा क्या, सबका यही हाल है, पूरा बाजार ही पसर गया है। क्यों लगाया तूने पैसा शेयरों में? LIC में देखे, तेरे मौसा राम प्रकाश ने कैसी दुर्गत कराई पूरे गांव की, अब गांव भी नहीं आता तेरा मौसा। बुआ शेयरों में ही 4 पैसे मिलने की उम्मीद थी, और कहां लगाती पैसे? अरे सोना खरीद लेती तो आज मौज कर रही होती। लेकिन बुआ सोना भी तो गिरा पड़ा है, कहाँ चढ़ रहे दाम? अरे चढ़ेंगे चढ़ेंगे, अभी 50,000 पर तो है ही। हाँ तेरी बुआ से ही पूछ के तो चढ़ेंगे दाम, यही तो खुलती है रोजाना इसके भाव। ऐसा है, ज्यादा टर्टर करने की जरूरत नहीं बीच में। लेकिन बुआ कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने सुना था कि जब लड़ाई दंगों हो, शेयर बाजार गिरे, महंगाई बढ़े तो सोना चमकता है, लेकिन यहाँ तो सोने से ज्यादा तांबा स्टील ये सब चमक रहे हैं। हाँ बिटिया बात तो एकदम सही कह रही है। लेकिन अब की क्या हो गया बुआ, जंग छिड़ी है, बाजार लहूलुहान है, रुपया इतना कमजोर हो गया है कि ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा है, फिर भी सोने की चमक फीकी पड़ी है। अरे बिटिया तुम कह तो सही ही रही हो, लेकिन अभी सोने का गणित बिगाड़ा है सारा डॉलर ने। सो कैसे बुआ? देख बिटिया, जितना सुरक्षित सोना उतना ही डॉलर भी सुरक्षित है, अब दोनों चीजें एक साथ तो नहीं बढ़ेगी, डॉलर जितना मजबूत होगा सोना उतना ही कमजोर पड़ेगा। तुम्हें तो बता गए अमेरिका के गवर्नर जीरोम पावल कि सोना काय नहीं बढ़ रहा, तुम तो रोज अमेरिका के राष्ट्रपति से बात जो करती हो। अरे बात नहीं करते तो क्या, अखबार तो पढ़ते हैं पंडित जी, तुम्हारी तरह दिन भर ताश की गड्डी थोड़ी पीटते हैं। देख बिटिया, तू तो जितना पैसा बचाती है ना, उसका एक हिस्सा सोने में लगा, धीरे धीरे खरीदारी कर। बुआ गहने खरीद लूं? गहने क्यों खरीदने, जब शादी हो पहनना हो उस समय के फैशन के हिसाब से खरीदना, अभी तो तू खरीद गोल्ड बॉन्ड। जे देखो तेरी बुआ फिर दे रही है एक अनोखी सलाह, कागज में सोना खरीदवा रही है तो उसे। अरे जब नहीं कुछ पता है ना तो क्यों टट्टर करते हो बीच में? अरे बुआ तुम फूफा को छोड़ो, ये बताओ इनमें कुछ रिटर्न वगैरह मिलेगा बुआ? हाँ फायदा ही होगा बेटिया, सोना बढ़ेगा तो उसका फायदा, और साल का 2.5% ब्याज मिलेगा वो अलग से। एक बात तो है बुआ, भले ही उम्र हो गई हो तुम्हारी, लेकिन जानकारी के मामले में तुमसे तेज दूर दूर तक कोई है नहीं वैसे। हाँ हाँ तू ही समझती है बेटिया, बस ये बात तेरे फूफा को समझ ना आई आज तक। अरे फिर क्यों मुझे घसीट लिया तुम लोगों ने अपने बीच में, मैं तो तुम लोगों के लिए चाय बना रहा हूँ। हाँ लेकिन ढंग की चाय ना बना पाए तुम अभी तक। अरे बुआ लड़ो मत, अच्छा मैं घर चली, जरा सोने में निवेश की और जानकारी पता करती हूँ। ठीक है बिटिया, चल बाय बाय बाय।